हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले 2.0 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे वो फाइन आर्ट अर्थात ललित कला के रिवाइज एंसर की के परिप्रेक्ष्य में होगी। इसका एग्जाम सभी लोग जानते हैं कि 8 दिसंबर को हुआ है और इसकी रिवाइज आंसर की भी बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया था। उसमें तमाम कमियां थी जो आंसर की को लेकर, और मैं आप सभी लोगों को कब टच जो बताया था और बीपीएससी के फाइन आर्ट की जो कट ऑफ बताया था उसको भी मैं आप सभी लोगों को एनालिसिस करके बताया था कि क्यों और कैसे इतना हो सकता है। जो लोग उस कटाप को नहीं देखे हैं वो आप लोग देख लेंगे, फिर आप लोगों को मेरे ऊपर सत्यता का आभास हो जाएगा कि मैंने सही कहा था या गलत कहा था। मैंने उस टाइम भी आप लोगों को बताया था कि जो मेरे जो पढ़ाए बच्चे आए हुए थे कर, तो जो ऑप्शन नंबर डी था उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो उनके द्वारा जो ऑप्शन को टिक किया गया था उसके अकॉर्डिंग जब बीपीएससी ने जो अपनी आंसर की को जारी किया तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बच्चों का जो एनालिसिस था वो कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन गलत हो गए। और मैंने इस बात को आप सभी लोगों को अवगत भी कराया था, और उसके अकॉर्डिंग जब गलत हो गए तो बहुत सारे बच्चे थे उसके अकॉर्डिंग हमने 10 क्वेश्चन डाउन करके अर्थात 70 क्वेश्चन पे मैं आप लोगों को मेरिट बताया था कि अब 70 क्वेश्चन में जो बच्चे फाइन आर्ट के जो अपने सब्जेक्ट को कर आए हैं तो उनमें उनका एनालिसिस जो था वो कम से कम कितना था वो सारा डिटेल हम लोग बताए थे कि 65 क्वेश्चन उनका आंसर की गलत होने के बाद भी 65 क्वेश्चन सब्जेक्ट में अच्छे थे। इस बात को मैं आप सभी लोगों को अवगत कराया था। और आज जब बीपीएससी के द्वारा जब अपना रिवाइज आंसर की जारी किया गया तो इस बात का भी सच पता चल गया कि कौन सही था कौन गलत था। तमाम जो यूट्यूबर लोग हैं, तमाम जो अपने आप को कला के महारती शिक्षक बनते हैं, उन्होंने जो भी र्यूमर किया हो लेकिन मेरे द्वारा जो बताए गए थे मैं उसको आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। आज जो बीपीएससी के द्वारा जो रिवाइज आंसर की जारी किया गया है उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड कम से कम तमाम 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके बाद भी अभी मैं आप सभी लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होने की पूरी संभावनाएं बन रही थी, और मेरे द्वारा जो बच्चों ने जो वहां पर जो बताया जो उन्होंने किया और उसी का नतीजा था कि आप लोगों का रिवाइज आंसर की में संशोधन भी बहुत सारे देखने को मिले। तो आप लोगों ने पहले हम लोग देख लेते हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो फाइन आर्ट में जो संशोधन किया गया है किन किन क्वेश्चनों पर उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि किन क्वेश्चनों पर और भी ऑब्जेक्शन होने की संभावनाएं प्रबल हैं। देखिए, ये जो आप लोगों की स्क्रीन पर जो दिख रही है ये बुकलेट सीरीज ए है और इसी सीरीज पर हम लोग काम करेंगे। तो देखिए, जो यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसमें जो क्वेश्चन रंग थे उसमें क्वेश्चन नंबर 16 था और क्वेश्चन नंबर 22 था जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो हम लोग उस क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं कि 16 नंबर का क्वेश्चन क्या था। थोड़ा धैर्यता बनाइएगा। देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन था कि स्पर्शी व्यंजन है। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें लिखा हुआ है कि स्पर्शी व्यंजन है। ऑप्शन के रूप में दिया है प, फ, म, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब बीपीएससी ने जब अपनी पहली बार आंसर की जारी किया तो इसका आंसर उन्होंने जारी किया था ए को अर्थात प को जारी किया था। लेकिन अब जो रिवाइज आंसर की आया है तो उसमें उन्होंने बताया है कि ये ए नहीं, अब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जितने लोगों का ये आंसर गलत था उसको सही कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, देख लेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए 23 और 22 नंबर का क्वेश्चन है कि विलोम शब्द का
यहां पर मैं आप लोगों को जूम कर दे रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन है कि विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, आप लोग को दिख रहा होगा 22 नंबर का क्वेश्चन, और जूम कर देना। ये देखिए, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, और यहां पर ऑप्शन के रूप में दिया था का पुरुष का कायर, कुत्सा का निंदा, सकल का विकल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका बीपीएससी ने जो आंसर की को जारी किया था वो राइट आंसर किया गया था ई को, लेकिन अब रिवाइज आंसर की में इसको गलत करके अब राइट आंसर को डी को किया गया है, अर्थात इसका उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर डी को आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग बात करें कि अगला क्वेश्चन कौन सा था, तो अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का एक है जो कि वो रिलेटेड है 53 नंबर का क्वेश्चन, 53 नंबर का क्वेश्चन। सभी क्वेश्चनों पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किस क्वेश्चन में क्या दिक्कतें आ रही हैं। 53 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन है, जूम कर दे रहा हूं, क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ये आप लोग 53 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है, और इसमें ऑप्शन में था कि दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का बीपीएससी ने जो पहले आंसर को टिक किया था वो ए को टिक किया था, तो ए अब सही नहीं है, इसको गलत कर दीजिए, और अब जो सही होगा वो बी सही होगा। जो ताना भगत आंदोलन संबंधित है वो आदिवासी आंदोलन से है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, बी को आंसर को राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया था अब आप लोगों का फाइन आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइन आर्ट के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे जो कि 71 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 71 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, और क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि फाइन आर्ट जो सब्जेक्ट से रिलेटेड थे वो 71 नंबर से थे, और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो पहला क्वेश्चन है 74 नंबर का क्वेश्चन। 74 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग अगर बात करें तो 74 नंबर का ये क्वेश्चन रहा आप लोग के स्क्रीन पर। क्वेश्चन था कि किस प्रसिद्ध पात्र ने उनकी पहचान निहाल चंद की पेंटिंग की नायिका से की है। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो किशनगढ़ शैली जो कि राजस्थान की एक उपशैली मानी जाती है, जो कि निहाल चंद जो कि बहुत ही फेमस इस शैली के महत्वपूर्ण कलाकार थे, और उनके द्वारा जो पेंटिंग निर्मित की गई थी वो बनी ठनी, और इसी बनी ठनी को विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा से कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। अगर वो विश्व में अगर सबसे सर्वोत्कृष्ट मोनालिसा की पेंटिंग जिसको लियोनार्डो दा विंची ने निर्मित किया था उस पेंटिंग की तुलना हमारे भारत की मोनालिसा बनी ठनी अर्थात राधा से की जाती है, तो बनी ठनी को हम लोग राधा के भी नाम से जानते हैं, बनी ठनी के भी नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होने की पूरी प्रबल संभावना थी। तो इसका जो राइट आंसर जो कमीशन ने अब टिक किया है आप लोग देखिए, पहले इन्होंने बी को माना था बनी ठनी को, लेकिन अब उन्होंने सही कर दिया है डी को, क्योंकि मैंने व्याख्या के रूप में भी बताया कि बनी ठनी को ही हम लोग राधा के रूप में जानते हैं, तो यहाँ से 74 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब सभी लोग आप लोग मिला लीजिएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि अब आप लोगों की क्वेश्चनों की जो संख्या है वो कितनी टोटल बढ़ रही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, अपने सब्जेक्ट में ही क्या सही है। 84 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे 84 नंबर के क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी कर लेंगे, थोड़ा सा मुझे भी जाना है अभी। 84 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा दोस्तों 84 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मैं जूम कर दे रहा हूं, क्वेश्चन है कि विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे यहां पर दिया गया है उपकरण, सामग्री, रूप, आकार,
अनुपात, सकारात्मक नकारात्मक सेटिंग और अभिव्यक्ति से अध्ययन करना कहलाता है। और ऑप्शन के रूप में जो दिया गया था वो भित्ति चित्र, पेंटिंग, मूर्तिकला उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका पहले कमीशन ने जो माना था कि इसका राइट आंसर मूर्तिकला को माना था, लेकिन ये जो उपकरण का जब प्रयोग हम जिसमें निर्माण करते हैं और जिससे अभिव्यक्ति होती है, तो ये चाहे वो अन्य अन्य कलाओं में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग जो साक्ष्य दिया गया तो इसका राइट आंसर जो कमीशन ने क्या कर दिया है, अब डी कर दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात इन उपकरणों से जो अभिव्यक्ति की अध्ययन करना जो होता है, एक से अधिक माध्यमों में हम लोग देख सकते हैं और एक से अधिक कलाओं का भी हम लोग इनके माध्यम से विकास कर सकते हैं। तो इसका अब राइट आंसर 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो टिक किया गया है वो 93 नंबर का क्वेश्चन है। 93 नंबर के क्वेश्चन पर अगर हम लोग पहुंचे तो 93 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये है कि देखिए यहां पर पूरी प्रबल संभावना थी, आप लोगों ने भी कमेंट किया था, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया भी कि जो उपर्युक्त में से एक से अधिक जो ऑप्शन है ये एक बहुत बड़ा जटिल मुद्दा है। यहां पर देखिए कह रहा था कि दृश्य कला के क्षेत्र में क्यूबिज्म एक महान कला आंदोलन है, उस कलाकार को चुनिए जिसे क्यूबिज्म का जनक कहा जाता है। और ऑप्शन के रूप में दिया था जुआन ग्रीस, पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्राउन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का पहले जो कमीशन ने माना था वो जॉर्ज ब्राक को माना था, क्योंकि यहाँ पर अगर डिप्लोमेटी से देखा जाए तो जॉर्ज ब्राक ही कला आंदोलन जो घनवाद था, क्यूबिज्म था, उसको जन्म देते हैं। लेकिन उनके इस आंदोलन को जो अग्रसर, जो महान रूप देने का जो जो श्रेय दिया जाता है और जिन लोगों ने इस आंदोलन को विकास की दृष्टि में अग्रसर किया, ये दोनों कलाकार बहुत ही उल्लेखनीय थे, पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो घनवाद की जो कृति, अगर प्रथम कृति का उल्लेख देखने को मिलता है तो वो पाब्लो पिकासो की ही कृतियों से घनवाद की अधिक प्रभाविकता देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग जब उपर्युक्त में से अधिक कथन दिया गया है तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो होना चाहिए था वो डी ही होना चाहिए था, लेकिन इसके पहले कमीशन ने सी को माना था, जॉर्ज ब्राक को, लेकिन उन्होंने सही किया और राइट आंसर को किया गया डी को। जब व्याख्या प्रस्तुत किया गया, साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, तो कमीशन ने सही कर लिया कि डी है। इसके बाद भी देख सकते हैं हम लोग कि किन किन क्वेश्चनों में और भी ऑब्जेक्शन हो जा सकता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 93 तक देख चुके हैं, अब अगला उनका क्वेश्चन था 98 नंबर का क्वेश्चन। 98 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है कि रजमनामा के लिए प्रमुख चित्रकला श्रृंखला जिसको 1582 में किस मुगल चित्रकार की देखरेख में शुरू की गई थी। ऑप्शन के रूप में बसामन, अब्दुल समद और दसवंत दिया गया था। तो इसमें जो पहले कमीशन ने जो माना था वो दसवंत कहार को मारा था, लेकिन जब दसवंत कहार की मृत्यु हो जाती है 84 में, तब इस कार्य को आगे भी तो बढ़ाने वाला कलाकार था, तो उसका भी तो श्रेय दिया जाता है। तो इसीलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पर भी सही होने की संभावना थी और इसका सही हुआ। अब इसको गलत करके इसको सही किया गया, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 98 का आप लोग मिला लीजिएगा, अब सी नहीं अब डी है, क्योंकि आप लोगों के भी क्वेश्चन अब बढ़ेंगे। जो अच्छे से पढ़ाई किया है, जो हमारे गाइडेंस में जितने भी लोगों ने ये देखा, उनको पूरी तरह से समझा कर बताया जाता है कि क्यों और उसका कारण क्या है, तो उस पर आप लोगों की लॉजिक सटीक बैठती है। तो देखिए इसका अब राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अब, जो क्वेश्चन था 103 नंबर का क्वेश्चन, 103 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर।
क्वेश्चन ये है कि चित्रकला, मूर्तिकला, कविता, संगीत, नृत्य और वास्तुकला जैसी रचनात्मक अभिव्यक्ति की कई किस्मों के आवरण को क्या कहा जाता है। देखिए, पहले भी बताया जा चुका है कि चित्रकला हो चाहे मूर्तिकला हो चाहे तमाम जो कलाएं हैं, लेकिन ये सारी जो आप लोगों को भिन्न भिन्न विधाओं में जो देखने को मिल रही हैं, ये सभी एक कला के अंतर्गत आती हैं। और कला चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो, ये भी एक कला है, चाहे पेंटिंग हो, ये भी एक कला है, चाहे स्कल्पचर डिपार्टमेंट हो, ये भी एक कला है। अगर आज जो फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में निर्देशित की जाती हैं, जो उनको अवार्ड दिया जाता है, तो वहाँ पर ये नहीं कहा जाता है फिल्म, वहाँ पे भी कला ही लिखा जाता है। तो भिन्न भिन्न विधाओं में कार्य किए जाते हैं और उनका सबका एक ही जगह पे रूप होता है कला। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि प्राचीन काल में कला जो था एक ही कला था, लेकिन जब उसका डिवाइडेशन होता है तब उनको वर्गीकृत किया जाता है कि शिल्प कला क्या है, लेकिन सभी का एक ही था कला। तो यहाँ पर जो चित्रकला मूर्तिकला ये था, तो पहले उपर्युक्त में से एक से अधिक किया गया था 103 का राइट आंसर, बट अब जो राइट आंसर किया गया है वो 103 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कला। आप लोग मिला सकते हैं, सही है 103 का ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें कि किसको टिक किया गया है कमीशन के द्वारा, 113 नंबर के क्वेश्चन को। 113 नंबर का क्वेश्चन नीचे मिलेगा, ये रहा 113 नंबर का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ये रहा कि बादामी की गुफाओं में किस प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं, और ऑप्शन के रूप में था प्रतिमाएं, आलेखन, चित्र, भित्ति चित्र, उपयोग में से एक से। तो यहां पर बादामी की गुफाओं में किस प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं, तो यहां पर जो वहां पे पहले जो आंसर किया गया था वो भित्ति चित्र को टिक किया गया था, लेकिन आप लोगों को बताया भी गया था कि बादामी की जो गुफाएं हैं यहाँ पर भिन्न भिन्न विधाओं में भिन्न भिन्न मूर्तियों का भी निर्माण हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न जो कलाओं का अंकन प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो था वो डी होना चाहिए था, लेकिन कमीशन ने भित्ति चित्र को माना था। तो अब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 113 का आप लोग मिला लीजिएगा राइट आंसर डी को, 113। अब 117 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। 117 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये रहा 117 नंबर का क्वेश्चन था कि मिट्टी से बनी किस प्रकार की कलाकृतियों को अधिक तापमान पर अधिक कठोरता के लिए पकाया जाता है। तो यहां पर देखिए, चीनी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के पात्र, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मिट्टी से बनी किस प्रकार की कलाकृतियों को अधिक तापमान पर अधिक कठोरता से पकाया जाता है, तो वहां पर जो राइट आंसर को किया गया था पत्थर के पात्र, लेकिन अब क्या है कि इसको कमीशन ने सही किया है और माना है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर 117 का अब जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 142 नंबर का क्वेश्चन, 142 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन है कि गॉथिक कैथेड्रल स्मारकों और कब्रों को किसके उपयोग से सजाया जाता है। जैसा कि आप लोग वेस्टर्न आर्ट में गॉथिक आर्ट पढ़े, तो वहां पर आप लोग देखते हैं कि कैथेड्रल में या जो कब्र होते हैं वहां पर तमाम प्रकार के कार्य देखने को मिलते हैं, चाहे वो मूर्तियों से भी सजाए जाते हैं या कब्र के ऊपर तमाम प्रकार के अलंकरण से भी उनको सज्जा की जाती है। वहाँ पे पिटादुरा शैली का भी प्रयोग हम लोगों को देखने को मिलता है, तमाम प्रकार के भित्ति चित्रण का भी देखने को मिलता है, भिन्न प्रकार के उत्कीर्णन का भी प्रयोग वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका जो पहले कमीशन ने माना था वो मूर्ति को माना था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो राइट आंसर किया गया है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप लोगों ने जब ये प्रैक्टिस सेट देखा, तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था
कि ये जो ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक है इसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों के आंसर की जो संभावना है वो अधिक बन रही है, क्योंकि ये ऐसा एक सेंटेंस था और इसी क्राइटेरिया को सेट ही किया गया था इस पेपर में कि बच्चे क्या है कि भ्रमित होंगे, और ऐसा हुआ भी। तो आप सभी लोगों ने देखा, सॉरी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने आप लोगों को दिखाया, इसमें अगर टोटल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन की बात की जाए तो वो क्वेश्चनों की संख्या जो हो जाती है वो 8 क्वेश्चन कमीशन ने अभी को फिर से आंसर को राइट किया है, अर्थात 8 क्वेश्चन। और मैंने जब आप लोगों की बीपीएससी की कट ऑफ आप लोगों को मैं बताया था तो आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, तो आप तमाम लोगों ने कटाच भी किया था, आप लोगों की लाजमी है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग कटाच जरूर करेंगे, मुझे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों के सामने सत्यता आती है तब आपको पता चलता है कि सही कौन है और गलत कौन है। तो मैं जब आप लोगों को कट ऑफ वहां पर बता रहा था, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी बीपीएससी की कट ऑफ फाइन आर्ट की, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो मैंने जब सब्जेक्ट के ऊपर बात किया था, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे 80 क्वेश्चन आए हुए हैं और ये 80 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन मैंने बताया था कि जो मेरे द्वारा जो बच्चे पढ़ाए गए हैं, जो उन्होंने पेपर को सॉल्व किया, तो वो जब पेपर को मेरे साथ डिस्कस किए और जब उन्होंने दिखाया तो मैं अपने जब सॉल्व किया अपने अकॉर्डिंग, तब वहाँ से बताया कि मेरे बच्चों का जो था वो 7 से लेकर 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे थे, आप लोगों से बताया था, तो आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। तो मैंने जो कटाव बनाया था वो 70 क्वेश्चन पे बनाया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब 70 क्वेश्चन पे बनाया था तब उस टाइम जो मेरे अधिक से अधिक बच्चों का जो कट ऑफ आ रहा था वो 65 आ रहा था, सब्जेक्ट में जो क्वेश्चनों की संख्या आ रही थी वो 65, 67 ऐसे निकल के आ रही थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अब जब ये बढ़ेगी तो इनकी भी स्वाभाविक सी संख्या है कि बढ़ेगी। तो अब आप लोगों को यकीन आ चुका होगा कि अब जो बीपीएससी की जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी जा सकती है, तो आप लोग डरिएगा नहीं, आप लोग हिम्मत से इस पेपर को देख भी रहे हैं और जितने भी लोग कट ऑफ बताने वाले हैं मेरी भी कट ऑफ को एनालिसिस करिएगा और उनके भी कट ऑफ को एनालिसिस करिएगा, तब आप लोगों को, आप लोग खुद एक टीचर हैं और आप लोग बेझिझक मेरे साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग भावी टीचर हैं और हम लोग भी आप लोगों के साथ अब हम लोग बैठे हुए हैं और अब आप लोग भी आ रहे हैं, तो दोनों लोग मिलकर अब डिस्कशन किया जाए कि सही क्या है, क्योंकि अब आप लोग भी देख चुके हैं कि अब सत्यता क्या है और किन क्वेश्चनों पर और भी विवाद हो सकता है वो हम लोग बाद के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और अभी मैं थोड़ा जाने वाला हूँ और इम्पॉर्टेंट था तो आप लोग करिएगा, और इस पर एक बार फिर से अगर आप लोगों की राय होगी तो मैं कट ऑफ पे एनालिसिस करूँगा, और नहीं तो जो हम लोगों का कट ऑफ है वो आप लोगों के नियर अबाउट अब आप लोगों को सेट देखने को मिलेगा। जितने भी लोग थे अब समझ जाइए यहाँ क्या सत्यता है क्या, और आप लोग कह रहे हैं कि गलत है क्या सही है, बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपी से गए हुए हैं, बहुत से सारे बच्चे हैं जो दिल्ली से आए हुए, हरियाणा से आए हुए, राजस्थान से आए हुए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके आए हुए हैं, और जो भाई नहीं पढ़ेगा और जिसको नॉलेज नहीं है तो वो तो मात खाएगा। और तमाम लोगों का कमेंट था कि ये कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो देखिए ये फाइन आर्ट है और हमारा डिपार्टमेंट है बहुत घुट घुट के पानी पीता है, किसी एक पर्टिकुलर बुक में आप लोगों को मिलने वाला नहीं है, तमाम आप लोगों ने हमारे पास रिप्लाई भी किया था, तो आप लोगों से मैं बार बार रिपीटेड करता हूँ कि आप लोग एक एथेंटिक अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िए, ना तो मार्केट के कूड़े करकट से पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला, और कंपटीशन का लेवल आप लोग देख रहे हैं कि कितना उच्च बढ़ता जा रहा है, एक थ्योरेटिकल बेस पे कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, और आप जब तक से कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ेंगे आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे से
कवर नहीं कर पाएंगे। जरूरी है कि आप कुछ क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन आप लोगों की जो कंपटीशन होने वाली है वो बड़ा टफ हो रही है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। तो आप लोग पढ़िए और इस पर हम लोग एक अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और जो इस चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं और बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या और किसी भी माध्यम से, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, DSSB हो, NET, GRF हो, TGT, PGT हो, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। फ्री अपकास्ट आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड की जाती है, और आने वाले टाइम में पेड क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट भी होने वाला है। तो आप लोग अपना स्नेह और प्यार दीजिए, चैनल को आगे सपोर्ट करिए। जितने भी आर्ट के टीचर हैं और एक अपना ग्रुप हम लोग तैयार करके एक अच्छा इस पर कार्य कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक में बस इतना ही।